नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा अशोक रमन चौधरा हिमाचल प्रदेश से, और मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारी रोटरी शाफ्ट होती है पावर मीटर की, उसकी जो सील होती है वो हम किस तरह से डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपकी अगर एक साइड की सील लीक है तो वहां पे आपको दो सील लगेगी और वो आपके पास पहले से होनी चाहिए। खोलने से पहले आपके पास दो सील होनी चाहिए इस तरह की, और इस सील का नंबर है 4562-8। 4562-8 नंबर की जो ऑयल सील है वो आपके पास पहले होनी चाहिए। अगर एक साइड से आपका जो सील है वो लीक है तो दो सील आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने दोनों साइड की सील चेंज करनी है तो इस तरह की चार सीलें लगेगी। तो आप सबसे पहले इस तरह की अगर एक साइड चेंज करनी है दो सील, और दोनों साइड चेंज करनी है तो चार सील जो है पहले ही लेकर के रखें, उसके बाद इसे हम खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हम जो है पावर मीटर की रोटरी शाफ्ट की जो सील होती है उसे किस तरह से खोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें मीटर को इस तरह से रख देना है दो ईंटों में टिका के। उसके बाद देखिए, एक ये लकड़ी का जो टुकड़ा है उसमें हमने मीटर को पीछे से टिका के रखा हुआ है। इस तरह से हमें रखना है। उसके बाद देखिए, ये नट जो है इसे हल्का सा ढीला करना है। इसमें 12-13 नंबर जो है रिंग स्पैनर लगेगा, और इसके बाद आप टायर निकाल करके इसको ढीला कर करके शाफ्ट को धक्का दे करके परली दूसरी तरफ को निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी ये देखिए, हथौड़ा मार के दूसरी तरफ को मारेंगे तो ये पूरी की पूरी शाफ्ट जो है ये बाहर आ जाएगी। वो देखिए, नट निकाल दिया गया है, और इस तरह से हम शाफ्ट को निकाल सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारी सील है वो हमें डायरेक्टली दिख रही है। ये जो अंदर एक कटोरी लगी हुई है, इसके अंदर जो है सील है, वो दूसरी तरफ की कटोरी जो थी वो गिर गई थी, यहाँ की कटोरी अभी लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, हमें कब जो है कटोरी निकालनी पड़ेगी है। ये कटोरी निकल गई है, और ये देखिए काली सी जो है ये सील दिखाई दे रही है। अब हम इसे पेचकस के साथ निकालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे एक डब्बा नीचे रख लें, क्योंकि इससे अगर आपने तेल निकाला नहीं है तो इससे तेल लीक होगा, जो गियर ऑयल है इसका वो लीक होगा। तो देखिए, पेचकस के साथ आप इससे जोर लगा करके यहाँ से जो है सील को निकाल सकते हैं। ये देखिए, एक सील निकल चुकी है, और यहाँ पर दो सीलें होती है तो दूसरी वाली सील को भी इसी तरह हम निकालेंगे, और गियर ऑयल देखिए लीक होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरी सील निकल रही है, और ये देखिए दूसरी सील भी निकल चुकी है, और ये गियर ऑयल जो है वो डब्बे में गिर रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि डब्बा आप पहले ले लें, और एक साथ में एक बंदा रख लें जो कि इस डब्बे को पकड़ सके, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तभी ऐसा करें, आप जल्दी लगा पाएँ। अगर आप भरोसा नहीं है कि आपका सील जल्दी डल जाएगी तो आप ये रिस्क ना लें, आप पहले गियर ऑयल जो है ड्रेन कर लें पूरा का पूरा, उसके बाद ये काम करें, उसके बाद जो है गियर ऑयल वापस डाल दें। तो देखिए दोस्तों, एक सील जो है फिट हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी सील जो है वो भी फिट करेंगे। सेम प्रोसीजर है इसका, दो सील जो है वो इस तरह से ही डालनी है। गैप को प्रॉपर रखें, और देखिए इसको जो है सील को प्रॉपरली अंदर तक घुसा दें। ये देखिए, इसको किसी भी चीज़ से तीखी नहीं होनी चाहिए, आगे से थोड़ी फ्लैट जैसी हो उससे हल्का हल्का मारें। ये जो पेचकस है हमारा, ये भी आगे से तीखा नहीं है, ये फ्लैट है, स्पेशली सील के लिए बनाया हुआ है ये। तो ये देखिए, इसके साथ हम हल्का हल्का मारेंगे तो ये सील जो है आगे चले जाएगी, और हमारा जो दूसरी सील के लिए स्पेस है वो बन जाएगा। अब हल्का हल्का मारते रहें, चारों तरफ से बराबर मारें ताकि सील जो है बराबर जाए चारों तरफ से। और ये देखिए, अब दूसरी सील के लिए स्पेस बन चुका है, तो दूसरी सील हम डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हथौड़े से हल्की हल्की मारें, फिर अंदर जान ये बराबर लेवल पे होनी चाहिए ताकि यहाँ पे कटोरी भी लग जाए। ये सील बाहर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल अंदर होनी चाहिए सील। तो हल्का हल्का देखिए इसे मारें, और जो है हमारी सील को प्रॉपर जो है बिठा दें। अगर सील देखिए तीखे पेचकस से अगर इसको मारेंगे तो ये सील जो है वो लीक करना शुरू कर देगी। तो आप जो है वो पेचकस, मतलब तीखा नहीं होना चाहिए, हल्का सा फ्लैट होना चाहिए, उससे ही मारें। ये देखिए, अब स्पेस जो है आगे चला गया है, और ये दूसरी तरफ की सील भी आप अगर डालना चाहें तो वैसे ही डलती है। हम एक ही साइड की डाली है। ये देखिए, हमने जो है टायर फिर से वापस शाफ्ट को घुसा दिया है। उसके बाद जो इसका कोली थी, जो हमने खोली थी वो डाल दी है वापस, और उसके बाद ये नट जो है वो वापस लगा देंगे, और जिस तरह से हमने ये नट खोला था उसे हम उसी जगह पे फिट करके इसका जो खोला था हमने नट, उसको कस देंगे वापस। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने नट को कसना है, और इसको अच्छे से कसे, क्योंकि इसमें नीचे होल दिया होता है, वहाँ पे नट पूरा सेट होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर वहाँ पे सेट नहीं होगा तो ये जो शाफ्ट है ये इधर उधर हिलती रहेगी,
प्रॉपरली सेट नहीं होगी और खुलने के भी चांस रहते हैं, तो इसको प्रॉपरली सेट कर लें। और ये देखिए दोस्तों, जो हमने टायर खोला था वो हमने अब वापस लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, टायर भी लग गया है और अब हम इसको जो है विनर को वो खड़ा कर देंगे। हमारा जो काम है वो सारा हो गया है। ये देखिए, जो गुटका हमने लगाया था नीचे वो हमने खोल दिया है। अब देखिए ट्रैक्टर को हम खड़ा कर देंगे विडर को, और अब विडर जो है खड़ा हो चुका है। अब इसका आगे वाला स्टैंड लगा दें और ये स्टैंड पे खड़ा कर दें, और जो हमने गियर ऑयल निकाला होता है, जो थोड़ा सा निकला है, उसको जो है वापस डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, ये गियर ऑयल जो है थोड़ा सा निकला है वो वापस डालना है, और फिर गेज जो है हमने वो टाइट कर देनी है डालने के बाद। ये देखिए दोस्तों, अभी हम डायरेक्टली डाल रहे हैं, लेकिन आप एक कीप जो है उसका प्रयोग कर लें। मैकेनिक को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो ये डायरेक्टली डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप डाल रहे हो तो आप एक कीप जो है वो लगा लें ताकि तेल इधर उधर नहीं गिरे। ये देखिए दोस्तों, अब गेज लगा करके चेक कर लें कि ऑयल पूरा है या नहीं है, और गेज जो है बंद कर दें। तो दोस्तों, आप सबने देख लिया है जो रोटरी शाफ्ट की सील है उसे हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अशोक ऑटो में चौंतरा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में कुछ बताना है तो आप तब भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अशोका एग्रो, किसान का साथी।